बिसमिल्लिम्स अल्लाम स्टूडेंट्स मैं ज़फ़र अली शाह का केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर टेन स्टार्ट किया था उसमें हमने सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स की डिफरेंस को डिस्कस किया था फिर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने इसी तरह डिफ़ाइन किया था कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रादर देन देयर केमिकल कम्पोजिशन इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जब हम किसी सॉल्वेंट में सेल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे बॉयलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसमें जो कमी या इंक्रीज है वो डिपेंड करता है दल्यूट अमाउंट पर न के सॉल्वेंट की या सैल्यूट की केमिकल कम्पोजिशन पर ठीक है स्टूडेंट्स तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ऑस्मोसिस व्हाट इज़ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो सपोज कंसीडर कर लें कि वी आर हैविंग टू सॉल्यूशंस या वी आर हैविंग प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्वेंट हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है अब शुगर सॉल्यूशन को और प्योर सॉल्वेंट को हम एक दूसरे से अलग करते हैं थ्रू मेम्ब्रेन जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं नंबर फर्स्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिव पैसेज अलाव करेगा पैसेज का मतलब है इस केस में पास होना ठीक है स्टूडेंट्स जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो स्टूडेंट्स आगे जाते हैं एडमिशंस के लिए जो टेस्ट क्लियर करते हैं तो टेस्ट जो है वो परमिएबल मम्ब्रेन है जो पास करेगा स्टूडेंट जो एलिजिबल होगा जो उस कंडीशन को पूरा करेगा वो आगे प्रोमोट होगा और जो नहीं कर सकेंगे वो रह जाएंगे तो सेमी परमिएबल मम्ब्रेन वो मम्ब्रेन है वो रुकावट है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा तो ऑसमोसिस को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जैसे आपको बताया गया स्टूडेंट्स शुगर सोल्यूशन है दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है क्यों इसलिए वहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं या मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है जब सेमी परमिएबल दोनों की बाउंड्री पे आएगा दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा तो जो सॉल्वेंट का साइड है इससे मॉलिक्यूल्स जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लोअर है तो सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हायर और लोअर कंसनट्रेशन की बात ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूट करते तो फिर सोल्यूशन की साइड पर सैल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की साइड पर सल्यूट की कंसेंट्रेशन जीरो है ठीक है स्टूडेंट्स सेमी परमीबल जो है जैसे आपको बताया गया है ये अलाउ करेगा सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा जनरल एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स के कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जैसे मैंने आपको बता दिया शुगर सॉल्यूशन है जिसमें प्रोपोज वैल्यू में मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हमने 20 ग्राम चीनी मिक्स किया है 20 ग्राम शुगर या 20 ग्राम सोल्ट या एनी सब्सटेंस जो कि के केमिकल रिएक्शन ना करे वाटर के साथ जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन करे दूसरी तरफ हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है या तो प्योर सॉल्वेंट होगा या हम कहते हैं कि हमने दो सोल्यूशन बनाए हैं एक तरफ लेफ्ट साइड पर हमने बीस ग्राम एड किया है मैं यहां पर लिख लू ट्वेंटी ग्राम और इस साइड पर हमने 5 ग्राम सैल्यूट ऐड किया है तो अब स्टूडेंट्स जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो वो सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो या सेल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो तो इस केस में जो राइट right साइड पर सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम शुगर डिजोल्व है वो लेस कंसनट्रेटेड है जिसमें 20 ग्राम डिजोल्व है वो मोर कंसनट्रेटेड है अब सेमी परविएबल मेम्ब्रेन है उसमें तो सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो हमारे पास फाइव ग्राम के सोल्यूशन से होगा उसकी तरफ से होगा वहां पर आप अगर देखें हायर कंसेंट्रेशन लिखा गया है हायर कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सैल्यूट की नहीं अगर सैल्यूट की बात करेंगे तो फिर ये हायर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा हमारे पास हम सॉल्वेंट की बेस पर बात कर रहे हैं तो जो हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्वेंट है जहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसकी मोशन होगी थ्रू दिस परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सेचुरेटेड सोल्यूशन या हम कह सकते हैं कि लेस कंसट्रेट यहाँ पर कंसनट्रेट लेस कंसनट्रेटेड का मतलब यह है स्टूडेंट्स के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है हायर कंसनट्रेट उस वक्त होगा जब हम इनकी सल्यूट की ग्राम्स की बात करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है अगर इसको हम हटा दें स्टूडेंट्स तो फिर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा ये डिफ्यूजन हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी यहां पर भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है जहां पर एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है हम एक्सटर्नल बाहर से कोई हेल्प नहीं दे रहे कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो ठीक है स्टूडेंट्स हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उस मेम्ब्रेन से पास होंगे क्योंकि मेम्ब्रेन में जो पोर साइज हैं वहाँ पर जो बारीक सुराख़ हैं उससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते आपको पता है केमिकल फार्मूला फॉर द शुगर इज सी ट्वेंटी टू ओ और वाटर की केस में दैट इज़ सिंपल एच टू ओ अब अगर आप देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल सिंपल हैं स्मालर हैं तो वो सेमी सेमीपरमीबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं और सी ट्वेंटी टू ओ एलेवन एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स से उन सुराखों से पास नहीं हो सकते इसलिए जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे ना के सोल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो करें ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेमी आपकी किताब में जो कोट किए गए हैं वो दो बताए गए हैं जब हमारे पास लो मास मास्यूट हो मालिकुलर मास उनका कम हो और सॉल्वेंट वाटर यूज हो तो फिर वहां पर पोटैश कॉपर हेक्सासायनोफेरेट यूज होगा या फेरोसायनाइड इसको कहा गया है ये चर है इनऑर्गेनिक है स्टूडेंट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में है आपको मैं यहां पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता बस आप सिंपल ये नाम याद रखें जो आपके किताब में कोट किया गया है कॉपर फेरोसायानाइड ठीक है स्टूडेंट्स तो इस मेमब्रेन को सेमी परमिएबल मेमब्रेन को जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे और कौन से सोल्यूट यूज करेंगे जिनका मोलर मास कम हो इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन केस ऑफ वाटर ए सॉल्वेंट विच सेमी परमीएबल इज यूज तो आपकी किताब की मुनासिबत से आपने आंसर देना है जो कि है कॉपर फेरोसाइड या आपको यह भी ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हम लो मालिकुलर वेट साइल्यूट यूज करेंगे तो कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे तो फिर आपने बताना है कि वाटर या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लो मालिकर वेट साइल्यूट हैं और उसके लिए कौन सा सेमी परमियबल मेम्ब्रेन यूज होगा तो स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस था एक ही कंसेप्ट है उससे तीन चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं नेक्स्ट जो बताया गया है कि अगर हाई मोलिकुलर वेट सूट हो और उसके साथ साथ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो फिर हम कौन सा सेमी परमिबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे उसके लिए या तो सिलोलोज यूज होगा या सिलोलोज नाइट्रेट यूज होगा सिलोलोज आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि प्लांट सेल प्लान्टलवाल जो बना है दैट इज़ फ्रॉम सेलोलोज नॉर्मली जो फिल्टर पेपर हम लेब्स में यूज़ करते हैं वो सेलोलोज से बने हुए होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स इस टॉपिक में दो किस्म के सेमी सेमीपर्मिएबल मेन की बात की गई है जिसमें सेकंड को हमने सेलोलोज या सेलोलोज नाइट्रेट की बात की ये किस वक्त यूज़ होगा जब सेल्यूट साई मोलिकुलर वेट के सेल्यूट होंगे और सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो ठीक है स्टूडेंट्स इसके साथ साथ अब इस डायग्राम की मदद से हम इस प्रोसेस की वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स एक बीकर है एक कंटेनर है जिसमें आप ये ब्लू में जो डायग्राम आप देख सकते हैं इसको हम थिसल फनल कहते हैं इस थिसल फनल की आ, में जो डार्क में आप देख सकते हैं ये कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है या हम कह सकते हैं कि इसमें शुगर सोल्यूशन मौजूद है बाहर रेड में जो डाउट आप देख रहे हैं ये सॉल्वेंट को प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब का जो खुला पार्ट है उसको एक जेल से एक जेली या सेमी सेबल मेम्ब्रेन जो कि डिराइव किया गया है एग से उसकी मदद से कवर किया गया है विच इज एक्टिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा क्या स्टूडेंट जब इस तिसलफनल को जिसमें हमारे पास शुगर सोल्यूशन है इसको हम वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं तो ये सरफेस जो है ये मिनिस्कस जो है ये इस शुगर सोल्यूशन की लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टार्ट में कम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा होगा क्या इस सेमी इसमी से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सोलूशन की तरफ मोशन शुरू कर लेंगे अब ये ऐसे प्रोसेस नहीं होगा स्टूडेंट्स के ये विद इन द मिनट्स ही हो जाए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है डिफ्यूजन है लेकिन थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं इसको आपने इफ्यूजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना इफ्यूजन गैसेस के लिए है स्टूडेंट्स वहां पर मॉलिकुलर साइज के पोर से मॉलिक्यूल्स जब वन बाय वन निकलते जाते हैं जैसे पंक्चरिंग ऑफ टायर है वो इफ्यूजन प्रोसेस है यहां पर सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होगा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है और स्पेसिफिकली सेमी के थ्रू जो होगा उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस कहते हैं कुछ वक्त बाद जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे तो इस सॉल्यूशन का लेवल जो होगा ये ऊपर चला जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अब ये जब ऊपर चला जाएगा इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस है जो लेयर है अब इन डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको ऊपर दिखाया गया है और इसका लेवल कुछ वक्त बाद नीचे आ गया है अब ये क्यों आया है ये इसलिए क्योंकि वाटर की जो अमाउंट थी अब उस कंटेनर में कम हो गई है और वो उस सल्फानल में पानी उससे ट्रांसफर हो गया है या वो सॉल्वेंट उस सोल्यूशन में ट्रांसफर हो गया है जिससे उस सोल्यूशन का वॉल्यूम या जो मिनसकस जो होगा वो ऊपर गया होगा अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस वक्त होगा हम कहते हैं कि जब ये 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 प्रोसेस प्रोसेस होगा, होगा, ऑस्मोसिस वाटर का सरफेस ऊपर जाएगा। अब साइड जो है, ये खुला है यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा ठीक है स्टूडेंट्स अब एटमोस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब बराबर हो जाए उस वक्त जो प्रेशर डिवेलप हो जाएगा मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां पर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पहले तो आप इस नाम को अगर देखें हाइड्रो इज यूज फॉर द वाटर एंड स्टेटिक जब वाटर स्टेशनरी हो मोशन में ना हो तो उस वक्त जब कोई लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा किसी सब्सटेंस पर किसी ऑब्जेक्ट पर उसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम पर ये हमारा सिस्टम हैल्फनर इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं अब वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बैलेंस हो जाए ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऑलमोस्ट रुक जाएगा अब यहां पर जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे इस ऑस्मोसिस को रिवर्स करने के लिए जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट्स ये जो हायर कंसंट्रेशन से लिक्विड आ रहा है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जहां पर वाटर की अमाउंट या वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स एंडो ऑसमोसिस कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब ये तो इस प्रोसेस की वजाहत हो गई व्हाट व्हाट इज इज एक्सो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आइए बोर्ड नंबर टू पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कशन की जब वाटर हाइयर कंसनट्रेशन से उस कंटेनर से थिसलफनल में ट्रांसफर होगा उसको हम एंडो ऑसमोसिस कहते हैं अब जब दोबारा हम वाटर को बाय अप्लाइंग द प्रेशर दोबारा सॉल्वेंट में लेकर आते हैं थिसलफनल से पानी बाय प्रेशर निकालकर उस कंटेनर में हम ट्रांसफर करते हैं उसको फिर हम स्टूडेंट्स एक् ऑसमोसिस कहते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं आइए जरा वजाहत करते हैं कि कैसे यह प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोई कंटेनर है जिसको हमने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है हमारे पास सोल्यूशन है चैम्बर बी में हमारे पास प्योर सोलवेंट है या आप इस तरह कंसिडर कर लें कि चैम्बर ए में सोलूशन है पानी का और चीनी का जिसमें 50 ग्राम चीनी है और चेंबर बी में 10 ग्राम डिजोल्व है तो अब ए में जो है वो चेंट के लिहाज से कंसेंट्रेटेड है सॉल्वेंट के लिहाज से कंसेंट्रेटेड नहीं है लेस कंस है बी कंपार्टमेंट में सल्यूट के लिहाज से लेस कंसेंट्रेटेड है और सोलवेंट के लिहाज से मोर कंसेंट्रेटेड है हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट अब स्टूडेंट्स दोनों कंपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं कि उनके जो टॉप पोर्शन हैं उनको खुला छोड़ा गया है कंपार्टमेंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा कंपार्टमेंट ए पर वहां पर हमने पिस्टन अप्लाई किया है मूवेबल पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन का फंक्शन क्या होगा यहां पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे अब जब इनमें सेमी परमिबल से सेपरेशन आ गई है अब होगा क्या मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट बी से मोशन शुरू करेंगे टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से आएंगे लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ कंपार्टमेंट बी से कंपार्टमेंट ए की तरफ अब एक लिमिट इस तरह आ जाएगा कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे कंपार्टमेंट बी में लिक्विड का वो नीचे आ जाएगा और कंपार्टमेंट ए में ऊपर चला जाएगा अब अगर हम चाहें कि ये प्रोसेस रिवर्स हो अगर हम चाहें कि ये फ्लो ना हो टूवर्ड्स द लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंपार्टमेंट ए की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स न आए तो स्टूडेंट्स उस वक्त हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे जैसे पिस्टन को रिप्रेजेंट किया गया है अब वो इतना प्रेशर जो इस प्रोसेस को रिवर्स कर सके जिसमें कंपार्टमेंट ए अपनी पोजीशन पर आ जाए और कंपार्टमेंट बी में जो सोल्यूशन है या जो सॉल्वेंट है वो अपनी लेवल पर चला जाए अगेंस्ट द एटमोसफेयरिक प्रेशर उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर आइए जरा डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर अप्लाइड ऑन ये एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर आसान अल्फाज में वो प्रेशर या इतना प्रेशर के जिससे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करें रोक ले या अगर हुआ है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पर लेकर जाएं तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हों जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया एक में सेल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे सोलूशन में सेल्यूट की कंसनट्रेशन कम 50 ग्राम 10 ग्राम सोल्यूशन अब 10 ग्राम चीनी जहां पर मौजूद है सपोज कंपार्टमेंट बी में मौजूद है या चैम्बर बी में तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चैम्बर बी से ए की तरफ आएंगे अगर हमारे पास दोनों साइड्स पर सेम सोल्यूशन से हो फिफ्टी फिफ्टी ईच तो फिर देयर विल बी नो ऑसमोस और वहां पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर डिवेलप हुआ होगा उसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड पर जब हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड का यहां पर यह मतलब होगा जहां पर चीनी के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो

वहां पर जो हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द पिस्टन होगा क्या जो मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट ए या चेंबर ए में आ गए हैं चैम्बर बी से वो मॉलिक्यूल्स दोबारा अपनी पोजीशन छोड़कर चेंबर बी की तरफ जाएंगे इनिशियल स्टेट में दोबारा आ जाएंगे कंपार्टमेंट ए और बी दोनों तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं लेकिन ये प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स इस प्रेशर को जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इसको ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम कंसंट्रेटेड रीजन टू डाइल्यूट रीजन और इसको ने, जो कि एक साइंटिस्ट था उसने एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेटा कलेक्ट किया था और उस डेटा से उसने ये अखज किया था ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द साल्यूट और हमने बात की थी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं व्हिच डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द साल्यूट रादर देन दियर केमिकल नेचर तो ऑस्मोसिस प्रोसेस या ऑस्मॉटिक प्रेशर जो है इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी किताब में कुछ एप्लीकेशन हैं ऑस्मोसिस के ठीक है डेली लाइफ से रिलेटेड है आसान है पांच छह एप्लीकेशन हैं वो आप रीड कर लें इन आपको समझ आ जाएगी वहां पर एक बात की गई है शिप रेकेज जब ये समंदर में जो बहरी जहाज़ होते हैं ये अक्सर हादसे का शिकार हो जाता है या नॉर्मली अगर हो भी ना तो हम कहते हैं कि वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पजस के लिए वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं इसी तरह प्लाजमोलिसिस है या टर्जिडिटी है सेल्स में या एसेंट ऑफ सेप है जब प्लांट्स बायोलॉजी में आपने सीखा है जब प्लांट्स रुठेयरस के जरिए ज़मीन से सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को या सॉल्ट्स को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो वो सॉल्ट्स और जो मिनरल्स हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं या वेरियस बॉडी पार्ट्स तक प्लांट्स के कैसे पहुंच जाते हैं वो मटेरियल वो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ डिस्कस की गई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन आइए बोर्ड नंबर थ्री पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्तसर सा टॉपिक है सॉल्वेशन सॉल्वेशन कहते किस को है आइए डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं याद रखें स्टूडेंट्स के, के किसी सब्सटेंस को अब यहां पर सब्सटेंस को मैं पहले जरा डिफाइन कर लूं अगर आपको पता नहीं है तो इनशाला पता होगा आपको सब्सटेंस हर उस कंपाउंड को एलिमेंट को मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं जिसकी कंपोजिशन हमें मालूम हो जिसकी प्रॉपर्टीज हमें मालूम हो ठीक है स्टूडेंट्स या हम कह सकते हैं कि वो मैटर जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्लियर हो जैसे वाटर है वाटर की कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है प्रॉपर्टीज़ वाटर की ये है फिजिकल के फ्रीज जीरो डिग्री सेल्सियस पर है होगी इसकी फ्रीजिंग बॉइलिंग हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी एट फोर डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज़ीरो पर डेंसिटी कम हो जाती है ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए इसी तरह ही सब्सटेंस का डेफिनेशन बनेगा जब हम किसी सब्सटेंस को ऐड कर लेते हैं सॉल्वेंट में अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में इंटरक्शन मौजूद हैं जिनको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अब वाटर जो लिक्विड स्टेट में है स्टूडेंट्स इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रांग है इसलिए वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है अब वो वाटर में आपने पोटाशियम क्लोराइड ऐड किया सॉल्ट है इसकी जगह पर आप सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट या कोई भी सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं वाटर में तो होगा क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, फिर इसी तरह पोटासियम क्लोराइड जो कि आयोनिक सॉलिड है उसमें आयोनिक फोर्सेस मौजूद हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान ये जैसे ही वाटर के साथ कंटेक्ट में आएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे एग्रीगेट होंगे पोटेशियम पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कैसे बाय पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो क्लोराइड या जो नेगेटिव पार्ट होगा उस साल्ट का पोटासियम क्लोराइड का उसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को अरेंज कर लेंगे जिन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन उस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसको हम सैल्यूट सॉलवेंट इंटरेक्शन कहते हैं पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन उस पोटाशियम पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसको हम सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं अब स्टूडेंट्स बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि तीन टाइप्स की इंटरेक्शन लिखी गई हैं जिसमें फर्स्ट है सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स सेकेंड है सेल्यूट सेल्यूट इंटरेक्शन और थर्ड जो है सॉल्वेंट सॉलवेंट इंटरेक्शन सॉलवेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इंटरेक्शन जैसे पॉजिटिव और सॉलवेंट सैल्यूट रखें अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉगर है किनसे सैल्यूट सॉल्वेंट से और इसी तरह सेल्यूट सेल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉगर है सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी मैं रिपीट कर रहा हूं जब हम वाटर में पोटाशियम क्लोराइड ऐड करेंगे अब पोटासियम क्लोराइड तो सॉलिड स्टेट में था क्यों क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे जिसको हम सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन कह रहे थे वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में था क्यों इसलिए क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं दो की तो वजाहत की हमने जब वाटर में सॉल्ट ऐड हो हो जाएगा पोटासियम क्लोराइड का जब वाटर में सॉल्ट ऐड हो जाएगा पोटासियम क्लोराइड का तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का पार्शियल नेगेटिव पार्ट जो कि ऑक्सीजन है इसी तरह जो नेगेटिव पार्ट है पोटासियम क्लोराइड का उसको वाटर का पॉजिटिव पार्ट पार्शियल पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है स्टूडेंट्स अब वाटर के मॉलिक्यूल्स उन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको हम सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं अब पोटासियम क्लोराइड कैसे डिजोल्व होगा ऐसे कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को एक दूसरे से डिटेच कर सकें तब डिजोल्व होगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर सॉलिबिलिटी या तो कम होगी या बिल्कुल होगी ही नहीं इसको हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इसलिए वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें मौजूद है पोटासियम क्लोराइड चूंकि आयोनिक सॉल्वेंट सॉलिड है या सॉल्यूट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है तो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी नॉर्मली हम डिजोल्यूशन के लिए या सॉल्युबिलिटी के लिए एक टर्म या एक सेंटेंस कहते हैं या एक जनरलाइजेशन के लाइक डिजॉल्व लाइक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिजॉल्व करेगा स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक इन को डिजॉल्व करेगा अगर आप नमक को सोडियम क्लोराइड को पोटाशियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट को जिंक नाइट्रेट को किसी भी सॉल्ट को अगर आप पेट्रोल में मिक्स करेंगे या डीजल में मिक्स करेंगे हल नहीं होंगे या अगर आप डीजल और पेट्रोल को आपस में मिक्स करेंगे तो हल होंगे क्यों क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स या क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं पेट्रोल या डीजल के मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट आइन्स को एक दूसरे से डिटेच नहीं कर सकते नो सेलूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन िलिटी ठीक है स्टूडेंट्स सोलिबिलिटी स्टार्ट में ही चैप्टर की स्टार्ट में ही एक टॉपिक डिस्कस किया है हमने जिसको हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सेचूरेट करें उसको हम सोलिबिलिटी कहते हैं अगर हम कहते हैं कि एक सब्सटेंस है वन ग्राम डिजॉल्व हो जाता है पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर हंड्रेड ग्राम वाटर में तो फिर उसको हम कहते हैं कि द दोलबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज वन ग्राम पर हंड्रेड ग्राम एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है स्टूडेंट्स तो ये solubility से या सॉल्वेशन से अब वॉट इज सॉल्वेशन इस प्रोसेस को जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पोटासियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आइन के चारों अतराफ में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं या इनको सॉलिड स्टेट से डिजॉर्व स्टेट में लेकर चले जाते हैं एक्स्टेट जिसको हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं एच सी एल एमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो फिर उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं अगर हम वाटर को यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस ठीक है स्टूडेंट्स ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की गई इसमें से आखिरी तीन चार सेंटेंसेस में ये बात की गई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड की एक्वस सल्यूशन को हीट दे रहते हैं तो उससे वाटर के वेपर्स एवोपोरेट हो जाएंगे उन क्रिस्टल्स में या तो उनकी सरफेस पर या उनके यूनिट सेल्स के दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन जो आपके साथ डिस्कस की गई रिलेटेड टू द सॉल्वेशन प्रोसेस थी स्टूडेंट्स आज की लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड एक मुख्तसर सा एक्सपेरिमेंट था वो आपके साथ डिस्कस किया गया आखिर में हमने सॉल्वेशन को डिस्कस किया आज की लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़